दोस्तों अगर आप भी शिवम दुबे को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत ने पहले T20 मैच में अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। शिवम दुबे ने ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, गेंदबाजी में 1 विकेट लिया तो वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद 60 रन की पारी खेली। जीत से खुश रोहित शर्मा ने शिवम और जितेश शर्मा की जमकर तारीफ की, साथ ही अपने रन आउट होने पर बड़ी बात कही। ये सब अपने वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा, बहुत ठंड थी, जब गेंद उंगली की नोक पर लगती थी तो दर्द होता था, अंत में यह अच्छा था। इस मैच से हमें बहुत कुछ सकारात्मक मिला, विशेषकर गेंदबाजी में स्थितियां आसान नहीं थी। हमारे स्पिनरों ने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की और तेज गेंदबाजों ने भी अच्छा काम किया। अपने रन आउट पर रोहित शर्मा ने कहा, ये चीजें होती रहती है, जब ऐसा होता है तो आप निराश महसूस करते हैं, आप वहां रहना चाहते हैं और टीम के लिए रन बनाना चाहते हैं, सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा। हमने मैच जीत लिया, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता था कि गिल आगे बढ़े, दुर्भाग्य से बहुत अच्छी छोटी पारी खेलने के बाद आउट हो गए। रोहित ने कहा, शिवम दुबे जितेश ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वह शानदार थी, तिलक ने भी और फिर रिंकू भी अच्छी फॉर्म में है। हम अलग अलग चीजें आजमाते रहना चाहते हैं, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी संभव होगा वह करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रोहित शर्मा ने बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गए थे। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर वह रन आउट हो गए थे। शॉट खेलने के बाद ही रोहित शर्मा ने रन लेने के लिए निकल पड़े थे, सुमन गिल बॉल को देखते रहे, इस गलतफहमी के चलते रोहित शर्मा आउट हो गए। दोस्तों वहीं मैच की बात करें तो इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जदरान ने टीम को अच्छी शुरुआत दी और टीम के लिए 50 रन जोड़े। गुरबाज 28 गेंद पर 23 और कप्तान जदरान ने 25 रन पे आउट हुए। मोहम्मद नबी ने 27 गेंद में 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 42 रन बनाए। इस तरह अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर 158 रन बनाए। भारत की तरफ से मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए, वहीं शिवम दुबे ने 1 विकेट चटकाए। अफगानिस्तान के 159 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 4 विकेट गंवाकर 17 ओवर 3 गेंदों में ही जीत हासिल कर ली। शिवम दुबे ने नाबाद 60 रन बनाए, रिंकू सिंह ने नाबाद 19 रन बनाए तो जितेश शर्मा ने 31 रन की पारी खेली। इस तरह भारत ने 6 विकेट से अफगानिस्तान को हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। दोस्तों इस मैच में रिंकू और शिवम दुबे को 10 अंक में कितना अंक देना चाहेंगे अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।